सिद्धार्थनगर जिले के इटावा थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बताते चलें कि डुमरियागंज स्थित निस्वा गर्ल कॉलेज की बस बघवा गांव से स्कूली छात्रों को लेकर आ रही थी कि अचानक राप्ती नदी के पास पहुंचते ही बस का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिसकी वजह से बस राप्ती पुल के बगल में खाई में जा गिरी। बस में लगभग 26 छात्राएं सवार थीं। ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से बस खाई में जाने के बाद भी पलटी नहीं और सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। खाई में गई बस को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। बस को निकालते समय डुमरियागंज इटावा हाईवे मार्ग घंटों जाम रहा। मौके पर मौजूद पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से जाम को हटवाया गया। इस बारे में बस के ड्राइवर असगर अली का कहना है कि स्कूली बच्चों को लेकर स्कूल जा रहा था कि अचानक बस का स्टीयरिंग फेल होने की वजह से बस खाई में गिर गई। सभी बच्चे सुरक्षित हैं, किसी को कोई खरोंच नहीं आई है। सभी बच्चों को दूसरी बस से स्कूल भेज दिया गया और क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। असगर अली, ये स्कूली बस कहाँ की थी? निस्वा कॉलेज। तो ये कैसे घटना हुई है? स्टीयरिंग फेल हो गया। तो कितने बच्चे सवार थे? 25। आज तो पहला दिन था, 25 लड़के रहे, कम रहे लड़के। तो कैसे कंट्रोल किया आप? ये गियर, स्पेशल गियर लगा के जो है और दो नंबर पे स्पेशल में डाल दिया, आराम से उतर गई जो है। तो सभी बच्चे सुरक्षित हैं? हाँ सुरक्षित है, कोई तो खरोच तक नहीं आया है। क्यों कहे, वो बैठा के स्कूल में कैसे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।